हिंदू कभी खतरे में नहीं था ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। खूब खरी खोटी तेजस्वी यादव ने सुनाई। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम भी देखने को बुला, लेकिन जो एक तरफ तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम दिख रहा था, वही दूसरी तरफ नजारा कुछ और ही था। उनके ही पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को टेबल तक नसीब नहीं हुआ, उन्हें मजबूरन स्टूल पर बैठना पड़ा था। इधर तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रेम दिखा रहे थे, वही उनके पार्टी के नेता कुर्सी के लिए तरस रहे थे। तेजस्वी यादव ने मन से मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए कहा कि देश के तीनों सेना प्रमुख हिंदू है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हिंदू है, किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं है, इसके बावजूद हिंदू खतरे में है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आया है, सेना के तीनों अध्यक्ष हिंदू हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं। ऐसा कोई हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य है जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो, तब हिंदू कैसे खतरे में, तब हिंदू कैसे खतरे में है, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को वो मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां मुस्लिम प्रेम दिखा रहे थे और बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की हालत क्या है उसकी तस्वीर भी देखने को मिली। तस्वीर में थोड़े ही दूर पर बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को कुर्सी नसीब नहीं हुई, मजबूरन उन्हें स्टूल पर बैठना पड़ा। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी को जब जगह नहीं मिली तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और लेफ्ट के विधायक महबूब आलम के बीच एक स्टूल पर जाकर उन्होंने जगह लिया। इस दौरान महबूब आलम और जयप्रकाश यादव बात करते रहे और तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रेम को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाते रहे। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मन से तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक तो मुसलमानों को वोटिंग अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। विधानसभा में उन्हें इस मामले को उठाया था और सीएम नीतीश इस मामले पर चुप रहे। सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार नागपुर से ऑपरेट की जा रही है। मुस्लिम को लेकर तेजस्वी यादव मन से जो कुछ भी कह रहे थे वो मंच पर मौजूद उनकी पार्टी के नेताओं की स्थिति देखकर मेल नहीं खा रहा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी को भले ही अगली कतार में स्टूल नसीब न हो, लेकिन कई ऐसे नेता थे जिन्हें पिछली कतार में जगह मिली थी। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के जो नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको स्टूल नहीं मिला, वो अगली कतार में बैठने के बावजूद भी स्टूल पर बैठे हुए नजर आए। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।